खबर अजमेर के नसीराबाद से है, जहां वार्ड 3 में पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और जमकर साथी नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि यहां कई महीने से पेयजल की सुचारू व्यवस्था नहीं की गई है। स्थानीय प्रतिनिधि और जलदाय विभाग को शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जल्द ही पेयजल की सुचारू व्यवस्था नहीं की गई तो लोग बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। जी हमारा जो लाइन का मुहूर्त किया गया था, उसके बाद पानी बारिश आ गई। बारिश आने के बाद जमीन का समतल में पूरा पानी में कहीं ऊपर हो गया, कहीं लाइन ऊपर नीचे होगी। इसके कारण पूरी लाइन में अव्यवस्था फैली हुई है। कहीं पानी आता है, कहीं नहीं आता है। कम से कम 10-12 घर हैं, बिल्कुल भी पानी नहीं आता और गंदा पानी आता है। गंदा पानी आने के बाद बिल्कुल बंद हो जाता है। इसके बाद सभी मोहल्लेवासी बहुत परेशान हैं और मैं कम से कम 2003 से लेकर के 5 बहुत इतनी एप्लीकेशन दे चुका हूँ। मैं तंग आ गया हूँ कैंटोनमेंट अधिकारियों से और मतलब नल वालों को। रोज सुबह 5 बजे आकर के मेरे को बुला के लाना पड़ता है, लेकिन नहीं आते वो।